तो नोटिस मैं सामना कार्यालय में हूँ, ये मेरा घर नहीं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता। ये तो बाला साहब ठाकरे की वास्तु है, अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूँगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ, और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। क्या मैं गुवाहाटी वालों ने दावा किया सिंधे साहब गुवाहाटी बुला रहे हैं कि आपको गुवाहाटी आप आइए? मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहेब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा, और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। मेरी अलीबाग में सभा है, और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से, उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूंगा, लेकिन जरूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊंगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊंगा। मैं भागने वाला नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की सुनावणी सुरू आहे, याचिकाकर्त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही मुंबईत महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही, कारण आमच्यावर हल्ले होत आहेत, आमच्या घरावर हल्ले होत आहेत, आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत। मृतदेह मुंबईत येतील, तुमच्या मराठी भाषा समजून घेतली पाहिजे। मी काय म्हणालो आहे, मी इतकंच म्हणालो की जे गुवाहाटीला आता आहे ते शरीरानं तिकडे आहे, त्यांचा आत्मा मेल आहे, आणि असे शरीर जेव्हा इथे येतं तेव्हा ते निर्जीव आणि मृत असत, याचा अर्थ समजून घ्या। हिंदी में बताइए, जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है, उनका जमीर, उनका आत्मा मर चुका है, और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है, लोग उनका, उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट।